हे गाइस अविनाश और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक क्लोन्स, मतलब अपने आप का एक डुप्लीकेट कैसे बनाएं, एक डुप्लीकेट या फिर आप मल्टीपल डुप्लीकेट्स भी बना सकते हैं सिर्फ आपके फ़ोन में। मतलब आपको कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बड़ा पीसी की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ा कैमरा की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके फ़ोन में आप डुप्लीकेट क्लोन कैसे बना सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्लोन इफेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए एक स्मार्टफोन। तो गाइस स्मार्टफोन का कैमरा हम यूज़ करने वाले हैं और एडिटिंग के लिए हम ऐप यूज़ करने वाले हैं काइन मास्टर ऐप। ये काइन मास्टर ऐप आप एंड्रॉयड ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है, एप्पल ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है, मतलब हर जगह ये अवेलेबल है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ज़रूरत है एक ट्राईपॉड। तो गाइस अगर आपके पास ट्राईपॉड है तो आप ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं है तो आप इसी तरह कहीं पर भी आपका फ़ोन प्लेस कर सकते हैं, इस तरह कुछ रख कर भी, मतलब आप जो दो तीन क्लोन शॉट्स ले रहे हो आपका फ़ोन हिलना नहीं चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लोन इफेक्ट। तो सबसे पहले कि हम शॉट लेते हैं दो तीन शॉट। सो गाइस शॉट लेने से पहले कैमरा का जो एक्सपोजर होता है वो एक्सपोजर हमें लॉक करना है। तो गाइस एक्सपोजर लॉक करने के लिए आप इसी तरह टॉर्च एंड होल्ड करके रख सकते हैं कुछ इस तरह, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया एक्सपोजर लॉक। और इसी तरह आप एक्सपोजर लॉक करके ही शूट करना चाहिए, मतलब दो तीन शॉट आप जो ले रहे हो वो सभी सेम एक्सपोजर पे होना चाहिए। अगर पहला वाला शॉट थोड़ा डार्क हो गया और दूसरा वाला शॉट थोड़ा ब्राइट हो गया तो ये शॉट मैच नहीं करेगा। तो ये सारे शॉट्स मैच करने के लिए हमें एक्सपोजर लॉक करना चाहिए या फिर आप मैनुअल मोड में भी शूट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लेते हैं हमारा फर्स्ट शॉट। ये है हमारा पहला शॉट और ये है हमारा दूसरा शॉट। तो ये दो शॉट शूट करने के बाद हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हम यहाँ पर काइन मास्टर ऐप का यूज़ कर रहे हैं। तो काइन मास्टर ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह दिखता है, न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन और 16:9 रेशियो में यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, और आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मीडिया। सो गाइस काइन मास्टर ओपन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें डुप्लीकेट चाहिए, जो डुप्लीकेट वाला जो शॉट है उस शॉट को हम पहले ऐड करते हैं। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पर मीडिया पर, और अभी मैं ये दूसरा शॉट ऐड करने वाला हूँ। तो अभी हमें क्या करना है कि जो लेयर है ये लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक हैंड राइटिंग वाला जो ऑप्शन है वो हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन चूज़ करना है, और जो पेंट का कलर है अभी वो ग्रीन कलर करना है। तो जो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक शॉट शूट करके रखा है, तो हमें क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है यहाँ पर एक ग्रीन कलर का मार्क करना है, मतलब टोटली जो लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है उसको टोटली हम ग्रीन कलर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इसको टोटली ग्रीन कलर का कर दिया है, और जो ये ग्रीन कलर का पेंट है ये टोटली मैं वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, और ये वीडियो में ऐड हो गया। तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मैं भी 1080p 30fps में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये प्रीमियम नहीं है इसलिए यह ऐड आ रहा है। ओके, स्किप कर लेते हैं, अभी ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट को अभी डिलीट कर लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट लाते हैं, क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट, और ये नया प्रोजेक्ट आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं मीडिया पे ऐड करते हैं। तो और जो पहले हमने शूट किया था लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, मैं अभी लैपटॉप चला रहा था, वो शॉट पहले ऐड करते हैं। ओके, ये पहला वाला शॉट ऐड हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं एक दूसरे लेयर पर वो ग्रीन वाला शॉट अभी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ लेयर, और यहाँ पर मीडिया, और मीडिया पर क्लिक करने के बाद जो ग्रीन वाला जो शॉट था वो ग्रीन वाला शॉट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अभी मैं इसको स्केल करके, ओके, तो अभी ये टोटली फुल साइज़ का स्केल हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे ये शॉट को सिलेक्ट करके, अभी ये जो इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं ये बहुत सारा इफेक्ट है, ट्रिम, स्प्लिट, मिक्सर, क्रॉपिंग, बहुत सारा इफेक्ट है, रिवर्स, स्पीड। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रोमा की का ऑप्शन, तो अभी की क्रोमा की को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जो ये की कलर है ये की कलर को सिलेक्ट करेंगे, और जो यहाँ पर रिसेंटली यूज़ वाला जो कलर है ये कलर को चूज़ करेंगे। तो ये कलर को चूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं टिक मार्क मार रहा हूँ। तो जो बीच में जो थोड़ा ग्रीन लाइन आ रहा था अभी वो क्लीन हो गया। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी एक डुप्लीकेट शॉट हो गया है।
सो गाइज ये टेक्निक को यूज़ करके आप बहुत सारा डुप्लीकेट मतलब मल्टीपल डुप्लीकेट्स भी अपने आप का बना सकते हैं। सो गाइज अभी ये प्रोजेक्ट को मैं अभी 1080p 30fps में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो गाइज एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने एक डुप्लीकेट बना लिया है। तो आप इसी मेथड को यूज़ करके इसी टेक्निक को यूज़ करके आपने आपका मल्टीपल डुप्लीकेट्स भी बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।